दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। चंदन के विषय में बहुत सारे लोग पूछते हैं। चंदन में कई टाइप के होते हैं, जैसा चंदन जिसको सूट करे, जिस कार्य के निमित्त चंदन आप प्रयोग कर रहे हैं उस नाम का चंदन आप ले लें किसी अच्छी दुकान से। अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये मान के चलिए कि बाजार में फैब्रिकेशन बहुत है, मिलावट बहुत है, तो ये आप कैसे करें ये अपने आप देखें। देवियों को चंदन अर्पित करते हैं, अगर किसी भी देवी को, तो देवी का जो कोई भी अगर मंत्र जाप करें आप, मगर ये सबसे अच्छा मंत्र चंदन के साथ लौंग, कपूर, बताशा और गोले का बुरादा, इससे हवन करें। और हवन करके जैसे हवन सामग्री में डालते हैं, हम होम करते हैं अग्नि में, और इसी प्रकार उसमें अग्नि में श्वेत चंदन का छींका दें और ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः कमलवासिन्ये नमः या ओम नमः कमलवासिन्ये स्वाहा, दोनों ही मंत्रों के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग प्रभाव हैं। आप जो भी जपें सब अच्छा है। चंदन को कंठ में लगाया जाता है, चंदन को बाजू में लगाया जाता है, चंदन का मस्तिष्क पे लेपन किया जाता है, चंदन को हृदय चक्र में लगाया जाता है और फिर ध्यान और पूजा की जाती है। इससे क्या है, शीतलता प्रदान होती है, आपका मन उचाट नहीं होगा, मन में एकाग्रता आएगी। ये आप करके देखें। ये हम कभी भी ये मत सोचें कि हम जो कर रहे हैं ये दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये बस भावना ध्यान में रखिए। ये जो कर रहे हैं आप सोचिए कि आप स्वयं अपने के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। चंदन को आप केसर में घोल लें, थोड़ा सा केसर ले लें, थोड़ा सा चंदन ले लें, और घिसने वाला चंदन हो, रेडीमेड चंदन नहीं, जो चंदन की बटियां आती हैं, ये आप, मैं नहीं बताऊंगा क्या है, चंदन की लकड़ी आती है, सौभाग से अगर चंदन की लकड़ी आपको मिल जाए तो उसको घिसें। और जब घिसे चंदन को तो घिसते समय उसमें एक उसकी केसर की डाल दें और इसका फिर जो घोल बने उस घोल को आज्ञा चक्र पे हल्के से स्पर्श करके दबाव दें और उसका तिलक बनाए आप हल्के से, तो ये प्रबल सम्मोहन कारक होता है। आप किसी के पास जाएंगे तो आकर्षित होगा आपकी तरफ। ये नियमित रूप से आप कर सकते हैं, इसमें कोई कहीं कोई आपका कुछ करना नहीं, कोई इसमें खटराक नहीं करना। चंदन का जो तिलक है, चंदन के तिलक के बहुत सारे मंत्र हैं, मैंने बताया ना आपको, जैसे मैं सरल भी है कठिन भी है, एक एक चंदन का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। जब चंदन का लेपन करें, शरीर में नाभि में लगाया जाता है, पसलियों में लगाया जाता है, तो जब जहां भी लेपन कर रहे हैं मंत्र का जप करके आप लेपन कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। चंदन चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पाप नाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थितिष्ठति सर्वदा, ये मंत्र का जाप करके आप चंदन का लेपन करें। शिवलिंग पर जब चंदन का लेपन करते हैं तो एक उंगली से न करें, तीन उंगलियों से, यानी कि अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, इन तीन उंगलियों को मिला लें, चंदन घिसें और घिसने के बाद में चंदन का, जैसे पहले उनको जलार्पण करते हैं या उनको दुख से स्नान कराते हैं, घी से स्नान कराते हैं, मधु से स्नान कराते हैं, जो सब निवृत्त हो जाए, तो उसमें चंदन का तिलक तीन उंगलियों से शिव को करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। चांदी की अंगूठी अगर आप बनवा रहे हैं, मोती अगर बनवा रहे हैं, तो चंदन के घोल में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए उसमें डिप करके रख दें, उसके बाद में उसको धारण करें। और लड़कियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली टोटका बता रहा हूं, सात गोपी चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना लें और इन गोलियों में धागा फिर उन्हें छेद करके पीले रंग का धागा लें, जैसे माला सरेकी बनती है ना, सात गोलियों की माला बन जाएगी, और इस माला को केले के किसी वृक्ष में अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। और ये वृक्ष अगर वो हो जो किसी मंदिर में हो, पूजित हो,
नित्य आप देखते हैं कि कोई बहुत सारे मंदिर होते हैं, उनमें पूजा की जाती है, जल दिया जाता है, उसमें धूप आरती करी जाती है। अगर कोई ऐसा वृक्ष मिल जाता है आपको तो उसमें अर्पित कर दें। और फिर लड़का हो तो लड़की देखने जाए, लड़की हो तो लड़की, लड़का, लड़का, लड़की, कोई भी हो, जो भी अपने लिए वर या वधु या वधु या वर तलाशने जा रहे हैं, तो ये अर्पित करें गोपी चंदन की माला केले के वृक्ष में। इससे बहुत कार्य आपके जल्दी सिद्ध होंगे। और ये दोस्तों आपको छोटी छोटी सी चीजें मैं नियमित रूप से बताता रहूंगा, अच्छे लगे तो प्लीज वही रिक्वेस्ट YouTube में सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।